लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। अभी महापालिका इलेक्शन होने दो, महासभा आने के बाद में पूरा वो जो कानून को उल्टे पुल्टे करने का प्रयास करना है उसको पूरा साफ करके जनता की सेवा में जो करना है वो हम करने वाले। जो शर के कानून है उस शर के कानून को गड्ढे में डाल के अपने अलग कानून बनाने का कई लोगों ने प्रयास किया है। इसके बारे में हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता में से दशरथ जी भगत, उनको मैंने बोला है कि आपका पत्र आयुक्त महोदय को दो, ईडी सेक्रेटरी को दो, वो चीफ मिनिस्टर के भी दो, अपोजिशन लीडर को भी दो और एक विधायक के तौर पर मुझे भी दो। इसके बारे में जो सुधार उन्होंने जो गलत काम करे उस पर रुकावट नहीं डाली तो हम लोग मीटिंग करेंगे, उसके बाद में जरूरत पड़ी तो सिड़कों पे भी मोर्चा लेके जाएंगे और इसके लिए संयम से जाएंगे। कोई घाई गर्दी में काम करने का नहीं है और जिनको बहुत घाई हुई है शहर का विकास करने की, अरे भाई तुम्हारा जिस शहर में तुम रहते हो ना वो शहर का पहले विकास करो। एक कोविड के कालखंड में, प्रशासन के राजवट के कालखंड में महापालिका का जो फंड है वो घाई गर्दी में पूरा ख़त्म करने की बात मत करो। टेंडर अभी रुकाओ, जब महापालिका चुनाव हो जाएगा उसके बाद में प्रतिनिधि आएंगे, वो लोग महासभा में निर्णय ले लेंगे, स्टैंडिंग में ले लेंगे, यानी जनता के लिए कुछ बाकी रखो। और कई लोगों को बहुत इसमें इंटरेस्ट है, ये टेंडर निकालो वो टेंडर निकालो, उनका टेंडर निकालने का जो झांसा है वो किसके लिए है ये जनता पूरी जानती है। इसलिए आज मैंने आयुक्त महोदय से चेतावनी दी है कि हम लोग आपको आते हैं बहुत शांति से बात करते हैं, इसका मतलब ये ना बस समझो कि हम लोग बहुत डरपोक हैं। ये वासी में सिड़कों का ऑफिस पेन एंड पेंसिल डाउन करने के लिए गणेश नायक ने किया था, उस टाइम में गणेश नायक विधायक भी नहीं था। पेन पेंसिल डाउन, पूरा सिड़कों ऑफिस बंद। ये जो NMT है वो पहले सिड़कों के नाम से जानी जाती थी। 1977 में वो बस हवा निकाल के पूरे रास्ते पे, उस टाइम में 40-45 बस थे। उसी दिन शाम को अनाउंसमेंट हुआ था कि नई मुंबई के विद्यार्थी लोगों को भी स्टाइपेंड मिलेगा। ये गणेश नायक का इतिहास है, ये अहंकार की बात नहीं है। हमें वही जोश है, वही होश है, वही यानी लड़ने की ताकत है, लेकिन फालतू में कोई गलत काम ना हो जाए, कोई गलत कोई कानून के तोड़ के रास्ता ना निकल जाए, इसके लिए हम संयम से बात कर रहे हैं।